हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ये साउंड टिकटॉक पे फिलहाल में ही ट्रेंडिंग में आया है। यदि आप इस साउंड पे इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर अप्लीकेशन को लिंक दिया हूँ, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक वीडियो आपको शूट करना है टिकटॉक अप्लीकेशन से ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने साउंड लिंक दे चुका हूँ। सबसे पहले चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको करना क्या, सिंपल टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको उस साउंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को आपको मिल जाता है। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, ये साउंड टिकटॉक पे फिलहाल में ही ट्रेंडिंग में आया है। यदि आप इस साउंड पे वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। तो सिंपल आपको साउंड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यूज दिस साउंड का, सिंपल आपको यूज दिस साउंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल आपको एक से दो बार वीडियो को प्ले कर देख लेना आपको किस हिसाब से इसको वीडियो को शूट करना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है टाइमर पे, सिंपल टाइमर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 सेकेंड और 10 सेकेंड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सिंपल 3 सेकेंड को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको वीडियो को स्टार्ट कर देना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको वीडियो पे यहाँ पे वीडियो में आपको फेस होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ पे शूट होना स्टार्ट हो चुका है। जब आपका वीडियो शूट हो जाएगा तो सिंपल आपको इसे डन करना है क्योंकि वीडियो यहाँ पे 22 से 23 सेकेंड तक का है। इसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये वीडियो जो है आपको पब्लिश में है तो सिंपल इसे आपको प्राइवेट में कर देना है और इस वीडियो को आपको सिंपल पोस्ट कर देना है। तो मैंने वीडियो को ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद सिंपल आप अपने प्रोफाइल ओपन करेंगे तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। जब देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो प्राइवेट में पोस्ट किए थे उसे सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेव वीडियो पे क्लिक करेंगे। ये वीडियो आपको डाउनलोड होकर गैलरी में सेव हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसे हम बैक करते हैं और काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पर काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको सिंपल एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड आपको वीडियो को अकॉर्डिंग सेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, हमारा वीडियो जो है 22 सेकेंड के आसपास है तो यहाँ तक आपको ले लेना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो आपने डाउनलोड किए थे। तो सिंपल जो वीडियो मैंने डाउनलोड किया तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो है सागर गोस्वामी का वीडियो है तो कुछ इस तरह से शूट किया गया है सेम साउंड पे। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम तो राइट करते हैं, वीडियो पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और फुल स्क्रीन कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, सिंपल ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे आपको फुल स्क्रीन कर देना है और ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो के लिए तक क्लिक करना है और क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है और क्रोमा की को सही से आपको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें डबल साउंड ऐड हो चुका है। सिंपल किसी भी एक वीडियो का आपको साउंड को प्ले कर देना है। तो मैं आपको दोनों साउंड को वीडियो को प्ले करता हूँ, इसके बाद वीडियो दिखा देता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया। ये जो है आपको ग्रीन स्क्रीन में वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। और इसके बाद सेकेंड वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया। जब आप साउंड एक से दो बार प्ले कर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे वीडियो को किस तरह से शूट किया गया है। सेम साउंड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद एक साउंड को मैं वॉल्यूम को जो मैंने म्यूट किया था इसे हम फिर से 100 कर देता हूँ। इसके बाद सेटिंग पे आना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।